नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से कट, कॉपी, पेस्ट, इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इस वीडियो में यही सारे हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको यहाँ पे विंडो पे जाना है, या तो आप क्या कर सकते हैं, विंडो आर प्रेस करिए और यहाँ पे टाइप करिए नोट पैड, यानी जो आपका रन कमांड है इसमें टाइप करिए नोट पैड और इंटर कर दीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एडिटर ओपन कर लिया है जो कि नोट पैड होता है। इसमें हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ मैटर टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी मैटर टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मैटर टाइप कर देते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम मैटर टाइप कर रहे हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने मैटर टाइप कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि अब इस तरीके से कैसे काम करता है कट, कॉपी, पेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट करिए, यानी सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, या तो नॉर्मल तरीके से लेफ्ट बटन को इस तरीके से ड्रैग करते हुए करिए, तब भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जितने एरिया को आपको कट करना है, कॉपी करना है, तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको सबसे पहले कॉपी बताते हैं। देखिए कॉपी क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं इंस्टीट्यूट जो लिखा हुआ है इसको आप दोबारा लिखना चाहते हैं, तो अब देखिए हमने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है, या तो आप राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन दिया है, कॉपी पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारी कॉपी हो गई है। अब आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है यही सेम चीज़ आए, तो उसको सेम चीज़ लाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है पेस्ट का, जो कि आप कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट, या आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं लिखा है पेस्ट, आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट आ गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कट क्या होता है। यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं अब कट किस तरीके से काम करता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो शिवम लिखा है ये यहाँ पे न रहे और जहाँ पे हम रखें वहीं पे दिखे, तो वो होता है कट। जैसे इसको हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन दिया, कट पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ से हट गया। आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे मैटर को आप राइट क्लिक कर यहाँ पे पेस्ट करिए, तो देखिए वहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया। तो ये होता है हमारा कट और कॉपी। अब बात करते हैं पेस्ट। पेस्ट जब भी हमारा होता है तो किसी मैटर को लाने के लिए, चाहे वो कट किया हो या कॉपी किया हो, उसको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने इतना कट कॉपी कर लिया, अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि फाइल में जाइए और सेव पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लोकेशन पूछेगा, आप जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, और जैसे डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करिए। फाइल नेम में आपका जो फाइल का नेम है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं शिवम, तो यहाँ पे देखिए हमने शिवम फाइल का नाम दे दिया कि इस नेम से फाइल रहेगी, और जैसे हम सेव पे करेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पे टाइटल पे यहाँ पे शो कर दिया शिवम, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो इसको यहाँ से आप क्लोज करिए और आपके डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए, और जिस भी फाइल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, आप राइट क्लिक करिए, तो यहाँ पे देखिए आपका डिलीट का ऑप्शन है। या तो आपको क्या करना है, एक बार इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तब भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी, पेस्ट, सेव और किस तरीके से डिलीट किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी हमारे इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।